हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टेकी आसर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, गर्मा गर्म टेक अपडेट्स आप लोग लेके आ चुका हूं, तो फटाफट से पहन लो ग्लव्स, कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लेके टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का, आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक वीडियो डाले थे, मतलब इंडिया में हमें एग्जैक्टली में 5G कब देखने को मिलेगा, आज की डेट में 4G स्मार्टफोन हमें परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 5G अगर इंडिया में आएगा तो कौन कौन से बैंड्स आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो रेगुलरली न्यूज़ से पूछे जाते हैं, मैंने सारे सवालों के जवाब दिया बिल्कुल कंबाइंड करके। तो 5G रिलेटेड यहां पर आपके कुछ भी क्वेश्चंस थे इंडिया को लेके, तो जरूर से वीडियो चेकआउट कर लेना, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो सैमसंग अपना A सीरीज का स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A12। एंड टीजर आना वगैरह स्टार्ट यहां पर हो चुके हैं, जिसके आप यहां पर देख सकते हो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का यहां पर आपको डिजाइन दिखाया गया है। एज वेल एज इंडिया की जो सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी इसका सपोर्ट है, जहां पर लाइव हो चुका है। तो A12 इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरे का 48 मेगापिक्सल का सेटअप मिलने वाला है। एंड 5000 एमएच की आपको बैटरी भी देखने को मिलेगी। एंड ये स्मार्टफोन A सीरीज में 15000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च होगा, स्पेशली ऑफलाइन सेगमेंट के लिए यहां पर ये स्मार्टफोन को लॉन्च करा जा रहा है। वैसे जब इंडिया में लॉन्च डेट और सारी चीजें निकल के आती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। सो गाइस, नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है 15 फरवरी को सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसके फुल स्पेसिफिकेशन प्राइस पॉइंट वगैरह जो है मैंने एक दो दिन पहले वीडियो में आपको बता दिया था, अगर आपने नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में इसका भी दे दिया हूं, जरूर से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें इसके प्राइस पॉइंट के बारे में, तो अब नई यहां पर जो इसकी प्राइस पॉइंट वगैरह लीक होकर आ चुका है, बताया जा रहा है जो बेस वेरियंट है आपका 6128 वाला वेरियंट जो है इंडिया में लॉन्च होने वाला है 25000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, जबकि 8128GB वाला वेरियंट बताया जा रहा है इंडिया में 28000 रुपए के आसपास जो है लॉन्च होने वाला है। एंड ये कंफर्म हो चुका है ये स्मार्टफोन 4G रहेगा, 5G नहीं रहेगा। तो प्राइस पॉइंट आपको स्पेक्स तो मैंने बता दिया, स्पेक्स को देखते हुए 25000 28000 रुपए में अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या आज की डेट में आप F62 को लोगे या नहीं लोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। हां गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले टेक न्यूज में बताया था कि माइक्रोमैक्स बहुत ही जल्दी अपना जो है 5G स्मार्टफोन इंडिया में ला सकता है, लेकिन अब यहां पर इंटरनल सोर्स से पता चल रहा है कि जो स्मार्टफोन है 5G बेसिकली माइक्रोमैक्स की तरफ से, बाकी के स्मार्टफोन तो लॉन्च हो गए लेकिन जो माइक्रोमैक्स की तरफ से जो 5G स्मार्टफोन है वो आपको ये ईयर की लास्ट में देखने को मिलेगा, मतलब नवंबर या दिसंबर तक के देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से सही भी है, जब तक कि 5G आ नहीं जाता तो 5G स्मार्टफोन का बेसिकली हम करेंगे क्या, जब लॉन्च हो जाएगा और वो टाइम पे और सस्ते में वो लोग अगर लाके देते तो काफी बढ़िया बात रहेगी। तो यहां पर 5G का जो डिसीजन है माइक्रोमैक्स की तरफ से मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा। वैसे आप सोचोगे कि यार डायरेक्टली अभी क्या 1 साल वेट कराने के बाद हमें माइक्रोमैक्स का फोन मिलेगा, हाँ वो 5G रहने वाला है, लेकिन 4G स्मार्टफोन इन ब्रांडिंग के साथ में आपको बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट बताया जा रहा है मार्च के महीने में एक स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स की तरफ से देखने को मिलेगा, और वही नहीं माइक्रोमैक्स का 2 वायरलेस ईयरबड्स वगैरह भी आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको लगता है आगे चल के माइक्रोमैक्स जो है Xiaomi Realme को टक्कर दे पाएगा, कंपीट कर पाएगा आने वाले सालों में, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो माधव सेठ ने कल ट्विटर पे एक ट्वीट करा था, उन्होंने कहा था कि वन ऑफ द चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च करे Realme X7 जो है 20000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे, एंड वो क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या इससे भी सस्ता हम यहां पर लॉन्च कर सकते हैं, और ये सारी चीजों के बारे में वो बात कर रहे थे बेसिकली। तो यस, Realme की तरफ से आपको बहुत चीप में जो है अभी आने वाले दिनों में जो है 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, मे बी 15000 रुपए की कैटेगरी में। एंड नार्जो 30 वगैरह भी BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे बहुत बार रिलीज किया पर हो चुका है। इसका मतलब क्या है, नार्जो 30 सीरीज में आपको एक दो वेरिएंट में जो है 5G के साथ में देखने को मिल सकता है, एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 15000 रुपीस। अब देखते हैं एग्जैक्टली में यहां पर नार्जो 30 में क्या आता है, लेकिन 5G एक वेरिएंट तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में मुझे और डिटेल्स यहां पर इसके रिगार्डिंग पता चलती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। सो गाइस, नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें जो कि आज का सबसे बड़ा टेक अपडेट है, तो उसके आप सभी को पता है
Redmi Note 10 सीरीज इंडिया में जो है मार्च के महीने में लॉन्च होने वाली, अर्ली मार्च यहाँ पर बेसिकली Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली बताया गया था। लेकिन एक स्क्रीन शॉट जो है काफी ज्यादा वायरल हो चुका है और ट्विटर वगैरह पे बहुत जगह पे यहाँ पर यह घूम रहा है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका Redmi Note 10 सीरीज है बेसिकली वो 10 मार्च को यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाली है, एज वेल एज 4 वेरियंट यहाँ पर लॉन्च होंगे। Redmi Note 10 का बोल सकते हो 4G वेरियंट भी, 5G वेरियंट भी, और Redmi Note 10 Pro का भी 4G वेरियंट भी, 5G वेरियंट भी। तो अब इसके पीछे कितना सच है, क्या ये सही है, एक्यूरेट है या गलत है, भाई मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ये न्यूज निकल के आई थी, मैं सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। एंड एक और एक चीज यहां पर Redmi Note 10 सीरीज के लॉन्च इवेंट के साथ में जुड़ी हुई है। आज मनु कुमार जैन ने बेसिकली एक पोल रखा था और उन्होंने अपने Redmi Note 8 की यादें ताजा करी थी कि कितनी मतलब भीड़ वगैरह थी और कितना एक्साइटिंग प्रोडक्ट वगैरह था। लेकिन गाइस बिकॉज ऑफ COVID-19 2020 में हमने जितने भी यहां पर लॉन्च इवेंट देखे थे वर्चुअली देखे थे, फिजिकल मतलब वहां पर जाके बैठ के एंजॉय करना, वो सारी चीजें टोटली बंद हो चुकी थी। लेकिन अब यहां पर मनु कुमार जैन ने जो पोस्ट रखे तो उसका मतलब क्या है, वो चाह रहे कि फिजिकल लॉन्च इवेंट करे। एंड मैंने जो वोटिंग देखा तो उसमें भी लोगों को यहां पर फिजिकल लॉन्च इवेंट वगैरह देखना था Redmi Note 10 सीरीज का। तो मैं भी यहां पर जो Redmi Note 10 सीरीज का जो आपको लॉन्च इवेंट देखने को मिलेगा मार्च में वो फिजिकल रहेगा, मुंबई में, दिल्ली में या कोई भी बड़ी सिटीज में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी यहां पर न्यूज निकल के आई थी Redmi Note 10 सीरीज को लेकर। गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप में से कितने लोग यहां पर Redmi Note 10 सीरीज का वेट कर रहे हो, बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस ये सारी धमाकेदार टेक अपडेट्स है जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। आई होप सो कि यहां पर आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।